Hello everyone. So this is the last topic of the chapter number 1, and the topic is irrational numbers. The question is, what is irrational number? Irrational numbers are the numbers which are not written in the P by Q form. ये हम काफी टाइम से सुनते आ रहे हैं. But 9th क्लास में हमने थोड़ा इसको बदलाव किया. और वो बदलाव क्या किया? कि रेशनल नंबर के हमने डेफिनेशन को उसके डेसिमल सिस्टम के अकॉर्डिंग फिट किया. क्यों किया? बिकॉज हमारे पास जो नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म थी, किसी ने कहा रूट टू है, रूट टू को हमने लिखा 1.41, उसको लिखा 141/100, किसी ने कहा 22/7 है पाई की वैल्यू, तो दोनों के दोनों पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो हम उनको रेशनल क्यों नहीं बोलते? तो हमने अपने स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज किया. वो चेंज क्या किया? डेसिमल सिस्टम के अकॉर्डिंग. किसके अकॉर्डिंग? डेसिमल सिस्टम के. एंड डेसिमल सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या चेंज किया वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं. तो डेसिमल सिस्टम क्या कहता है जी? ऑब्वियसली बात है, डेसिमल सिस्टम जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में किया है, डेसिमल सिस्टम दो टाइप का होता है. एक टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग. अब टर्मिनेटिंग को कुछ नहीं कह सकते, टर्मिनेटिंग बेचारा एक जगह रुक जाता है. नॉन टर्मिनेटिंग फिर दो जगह कंफ्यूजन में बढ़ जाता है. एंड द कंफ्यूजन आर कि वो रिपीट करे या नॉन रिपीट. तो टर्मिनेटिंग डेसिमल सिस्टम हमारा क्या है? रेशनल नंबर. उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, वो डेसिमल सिस्टम भी हमारा कैसा है? वो डेसिमल सिस्टम भी हमारा कैसा है? रेशनल. और मतलब बच गया कौन? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. तो वो डेसिमल सिस्टम हमारा कैसा होगा? इरेशनल नंबर. सो होप एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट दिस. तो लेट अस प्रोसीड विद द क्वेश्चन. And after that, our chapter will be finished. दो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाऊंगा आपको, so that we will complete or analyze the chapter, sorry, exercise, and make sure from this exercise every year one question is also coming, always coming. So ensure कीजिए everyone will do this question. Question is prove that root 5 is irrational. सवाल आता है कि कैसे? मैथमेटिक्स में काफी सारी हमारे पास अप्रोच होती है किसी भी क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए. तो उनमें से कोई एक अप्रोच है जो हम पहले बहुत कम यूज करते थे, लेकिन इस एक्सरसाइज में किसी को यूज करते हो, कोई हमारे पास अप्रोच बचती ही नहीं है. और वो अप्रोच क्या है? कंट्राडिक्शन अप्रोच. क्या है? कंट्राडिक्शन अप्रोच. तो ऊपर लिखता हूं कंट्रा डिक्शन अप्रोच. कंट्राडिक्शन अप्रोच क्या कहती है? कि पहले तो जो कह रहा है उसके अपोजिट चले, पहले जो वो कह रहा है उसके बिल्कुल अगेंस्ट चले. वो कहेगा 2+2=4 होता है, हम कहेंगे 2+2=4 नहीं होता. ठीक है? वो कहते हैं राम श्याम का भाई है, हम कहेंगे राम श्याम का भाई नहीं, यानी उसके बिल्कुल अपोजिट चले. तो फिर क्या होगा? हम कंट्राडिक्शन अपोजिट वे में चलेंगे, चलते जाएंगे, रास्ते में क्या होगा? दिक्कत आएगी. रास्ते में दिक्कत आई तो हम अपनी बात पे वापस आएंगे, वापस उसके पास आएंगे और फिर कहेंगे कि हाँ आप सही. तो ये कंट्राडिक्शन अप्रोच होती है. तो कैसे करना है? मुझे नंबर क्या है? इरेशनल प्रूफ है. तो ऑब्वियसली बात है, मैंने कंट्राडिक्शन बोला तो हम समझ गए होंगे अपनी बात को कि क्या हम लेट करेंगे. हम लेट करेंगे, लेट रूट 5 इज नॉट इरेशनल बट रेशनल. रूट 5 इज रेशनल. अब अगर रूट 5 रेशनल है तो ये लो आपकी बात मान ली. रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर इज ऑफ द फॉर्म पी बाय क्यू. रेशनल नंबर इज ऑफ द फॉर्म पी बाय क्यू. दो रिस्ट्रिक्शन साथ में रहता है, एक को हम कभी कभी देखते हैं और एक को बिल्कुल नहीं देखते. 4/6 है, 6/8 है, ये नंबर रेशनल है. लेकिन कम्प्लीटली रेशनल तब होते जब हम उनको रिड्यूस फॉर्म में डालते हैं, बिकॉज हमें वो
सिमिलर फ्रैक्शंस पर पढ़े हैं या इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस भी पढ़े हैं तो उनके अकॉर्डिंग हम बात करें, वेयर पी एंड क्या आर ओ प्राइम और एच सी एफ ओ पी एंड क्या इज वन। मैं थोड़ा सा ज्यादा स्पेस यूज करूंगा इसमें, इसलिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा कंजेस्टेड मैंने लिखा, ठीक है। तो वो क्लियर हुआ होगा या तो अब इसको वाई में वन लिख लिया ना, आप क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्या उनको रूट फाइव से किया तो रूट फाइव क्या आएगा तो पी क्या बनेगा रूट फाइव क्या होगा, पी क्या बना रूट फाइव क्या होगा। अब इसके आगे क्या करना है स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्या करना है स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है स्क्वेयर करते हैं। तो स्क्वेयर किया तो स्क्वेयर क्या किया, स्क्वेयर किया तो क्या पी का स्क्वेयर तो पी स्क्वेयर होगा, या जल्दबाजी मत करना, का जल्दबाजी करोगे तो फिर ये होगा कि हम अपने क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो पी स्क्वेयर किसके इक्वल आया रूट फाइव क्या स्क्वेयर के इक्वल, ठीक है। अब क्या लिख सकता हूं पी स्क्वेयर इज इक्वल, इसको ऐसे लिखना ज्यादा सही रहेगा आपके लिए इन दैट केस, बिकॉज हम गलतियां क्या करते हैं स्क्वेयर से रूट को काट के बैठ जाते हैं, स्क्वेयर से रूट को क्या करके बैठ जाते हैं काट के बैठ जाते हैं और वही हमारी गलती होती है। चलो ठीक है रूट फाइव क्या इंटू रूट फाइव लिखा क्यों है होप अब आप समझ गए होंगे, रूट फाइव इंटू रूट फाइव को मैं क्या लिखूंगा फाइव लिखूंगा क्या स्क्वेयर लिखूंगा पी स्क्वेयर किसके इक्वल है फाइव का स्क्वेयर। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग द नेक्स्ट मैं एक बात को एक्सप्लेन करना चाहूंगा और वो बात ये है कि मैंने जैसे लिखा 15 है उसको लिखा 3 इंटू 5 तो क्या मैं कह सकता हूं कि 15 जो है वो 3 से डिविजिबल है, रिपीट 15 जो है वो किससे डिविजिबल है 3 से, क्यों है बिकॉज 15 के मल्टीपल में फैक्टर में 3 आ गया। ऐसे ही पी स्क्वेयर के फैक्टर में कौन आ रहा है पी स्क्वेयर के फैक्टर में कौन आ रहा है 5 और क्या स्क्वेयर आ रहा है, रिपीट पी स्क्वेयर के फैक्टर में कौन आ रहा है 5 और क्या स्क्वेयर, यानी पी स्क्वेयर किससे डिविजिबल होगा 5 से होगा, पी स्क्वेयर किससे डिविजिबल होगा 5 से होगा और 5 से अगर वो डिविजिबल है तो किसी ना किसी पोजीशन पे तो डिवाइड होगा, जैसे 15 जो है वो 3 से तो डिविजिबल है तो किसी ना किसी पोजीशन पे तो डिवाइड होगा, वो पोजीशन हम क्या मान के चलते हैं यहां हम आर मान के चलते हैं, यहां हमें वो पोजीशन डायरेक्ट मिल जाती है, यहां वो पोजीशन कितनी है 5 पे। तो जो मैंने आपको बातें बताई अब उन बातों में अकॉर्डिंग अगर प्रोसीड करूं तो मेरा जो लिखने का है अब लॉजिक वो क्या रहेगा, मैं यहां पे लिखूंगा क्या पी स्क्वेयर इंप्लाइज पी स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल होगा। अब हम यहां पे जितने भी नंबर्स को पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे क्या है इंटीजर्स हैं, हम कहीं भी पी क्या ये दोनों के दोनों नंबर्स कैसे हैं बेटा इंटीजर्स हैं। अब अगर ये इंटीजर्स हैं तो ऑब्वियसली बात है मैं यहां पे क्या लिखूं जब पी का स्क्वेयर डिविजिबल है पी स्क्वेयर क्या है इंटीजर पी भी क्या होना पड़ेगा इंटीजर, ठीक है। तो इफ पी स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5 पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ये बात हमें यहां हमें कंफ्यूजन होनी चाहिए लेकिन एश्योर करता हूं ये बात हम इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज पी क्या हो मेरे क्या है इंटीजर है, यानी इंटीजर ही डिविजिबल होगा। कभी आप ये सोचो कि 29 यहां मतलब क्या कहना चाहते हो क्या 25 है तो 5 5, ठीक है ऐसा नहीं है कि ये 20 होगा तो ये 20 का रूट हो जाए, ठीक है। चलो क्योंकि यहां पे हम स्क्वेयर करते हैं सब, ठीक है। यानी अब पी 5 से डिविजिबल है तो मैं क्या कहूंगा अपनी बात को, मैं कहूंगा कि पी जो है क्या कहूंगा पी जो है 5 के टेबल में किसी ना किसी पोजीशन पे तो आएगा तो वो पोजीशन मैंने क्या मान ली हाँ, यानी पी को क्या लिख दिया 5 का, मतलब पी जो है आर पोजीशन पे 5 या आर पोजीशन पे 5 टेबल में आता है,
ठीक है। अब मैंने कहा P डिविजिबल बाय 5, मैंने आपकी डेफिनेशन में स्पेशल पॉइंट लिखा है कि उनका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं मैं इसके डिविजिबल बाय 5 है तो कहीं ना कहीं मुझे क्या को भी ऐसा करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड। चलो करते हैं, सो आई हैव रिटन स्क्वेयरिंग बोथ साइड। चलो भैया स्क्वेयर किया, ठीक है स्क्वेयर किया तो भैया क्या आएगा, पी का स्क्वेयर हो गया, 5R का स्क्वेयर भी कर दिया, यानी क्या लिखूंगा, पी स्क्वेयर इक्वल टू 5R इंटू 5R। ये आदत बना लो बेटा, बिकॉज हम यहां पे एक जगह आदत बना रहे, दूसरी जगह छोड़ रहे, डजंट लुक प्रॉपरली, और वो आदत बिगड़ने के भी चांस रहेंगे अगर मैं वहां पर डायरेक्ट करूंगा, और वहां बिगड़ी यहां भी गलती हो जाएगी, वो हम स्क्वेयर से रूट काट के डेफिनेटली बैठ सकते, क्योंकि सबसे बड़ी गलती होती है। यानी आगे मैं क्या लिखूंगा, पी स्क्वायर जो है 25R स्क्वायर के इक्वल। अब ये आ गया, ठीक है इसके बाद मुझे इन्वॉल्व किसको करना है, क्या उसको, तो मैं यहां पर इस बात को एक बार यूज कर सकता हूं, इस बात को पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्या उसके पी स्क्वायर किसके इक्वल है, 5 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू यहां पर ले जा सकता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा कि p स्क्वायर किसके इक्वल कर देता हूं, 5 क्या उसके उस पोजीशन में, तो देखिए क्या आएगा, 5 क्या स्क्वायर किसके इक्वल 25 R स्क्वायर, दैट इज क्या स्क्वायर इक्वल्स 25/5 R स्क्वायर, दैट इज क्या स्क्वायर इक्वल्स 5, सो नेक्स्ट प्रॉपर्ली क्या स्क्वायर इक्वल्स 5R स्क्वायर। So hope everything is clear till now. तो वही बात के लिए यहां पे आ गई कि क्या स्क्वायर क्या है, 5 का और R स्क्वायर का मल्टीपल है, क्या स्क्वायर क्या है, 5 और R स्क्वायर का मल्टीपल है, यानी सॉरी थोड़ी सी बात को करेक्ट करना चाहूंगा, क्या स्क्वायर डिविजिबल है किससे, 5 से भी और R से। तो मैं यहां पे लिखूंगा अपनी बात को फिर से, और वो बात क्या होगी, दैट क्या स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, गाइस क्या स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, और भैया जैसे यहां पे था तो सेम इसलिए करो ताकि आपको क्लियर नहीं रहे कि हाँ हम क्यों कर रहे हैं, इससे प्रीवियस था अब वैसे ही है, क्या इज डिविजिबल बाय 5। अब दोनों बातों को एक साथ ही कैप्चर करते हैं, कौन कौन सी बात, मैं यहां कह रहा हूं कि P जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, इस बात को मैंने कहा P जो है वो किससे डिविजिबल हो रहा है 5 से, और यहां मैं कह रहा हूं कि क्या जो है वो डिविजिबल हो रहा है किससे 5 से। अब P भी डिविजिबल है, क्या भी डिविजिबल है, तो मतलब दोनों के दोनों 5 से डिविजिबल है, सो आई कैन राइट P एंड क्या बोथ आर डिविजिबल बाय 5, और अगर वो 5 से डिविजिबल है यानी उनका HCF कम से कम 5 तो होगा, आई रिपीट, अगर दोनों के दोनों नंबर 5 से डिविजिबल है तो इंप्लाइज P एंड क्या है HCF एटलीस्ट फाइव बोल रहा हूं बेटा, क्योंकि 5 से ज्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा, तो यहां ये बात कंट्राडिक्ट हो गई, कौन सी बात कंट्राडिक्ट हुई कि पी और क्यू का एचसीएफ क्या होना चाहिए 1, तो कंट्राडिक्ट हुई तो क्या होगा, हम कह रहे हैं 5, ये कह रहा है 1, तो दोनों अलग होगा, ये चीज आप कंट्राडिक्शन, तो मैं उसको थोड़ा सा साइड में रखूंगा बेटा ताकि स्पेस नहीं है हमारे पास, बस विच इज अ कंट्राडिक्शन, इज अ कंट्राडिक्शन, और कंट्राडिक्शन किसकी वजह से आई, हमने गलत बात मानी, हमने उसकी बात नहीं मानी, इंप्लाइज रूट 5 इज नॉट
रैशनल, अब रैशनल नहीं होगा तो क्या होगा भैया, बट रैशनल ऑब्वियस की बात, रैशनल नहीं होगा तो इरेशनल पर जाना पड़ेगा, एक जगह तो बैठना पड़ेगा ना उसको। सो दिस इज दिस इज द कंप्लीट इश्यू, ठीक है। सो होप एवरीथिंग इज क्लियर, स्टिल एनी कंफ्यूजन देन प्लीज रिवाइंड द वीडियो वंस अगेन, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी कैन प्रूव रूट फाइव इज इरेशनल। मैंने जैसे कहा था कि हम कंट्राडिक्ट मान के चलेंगे, हमने उसने कहा इरेशनल, हमने माना रैशनल, रैशनल मान के हम अपने रास्ते पे चलते चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, और एक रास्ता आया जहां पे हमें हमारी गलती का एहसास हुआ, और जहां एहसास हुआ वहीं पर हम वापस जाके उसको बोल रहे कि भैया आप सही थे, आप रैशनल हो, सॉरी इरेशनल हो। सो एवरीथिंग इज क्लियर इन दिस क्वेश्चन, स्टिल एनी कंफ्यूजन देन यू कैन मैसेज इन द पीएस ग्रुप एंड शेयर द डाउट ऑल्सो। So after this, let us proceed to the next part, and the next part is one more question involved in this slide, and the question is इस बात को मैं नहीं रिलेट करूंगा बिकॉज उस बात को मैं फिर से यूज कर सकता हूं, क्या मुझे यूज करना। सो हियर इज एंड ऑफ द चैप्टर आफ्टर दिस क्वेश्चन। Okay, so let us write the last question and the questions में किसी को ले लेता हूं, sorry, I am writing now 3 plus 2 root 5, I am writing now 3 plus 2 root 5, so how can I prove 3 plus 2 root 5 is irrational, जहां भी हम उसकी बात को नहीं मान के चलेंगे, उससे तो नाराज रहना है, उसकी बात को नहीं मानेंगे, that's why we have to write let 3 plus 2 root 5 is rational. अब rational माना है तो उसकी बातों को भी मानना पड़ेगा, तो he said 3 plus 2 root 5 equals to p by q, and rest of the statements you can write as we have written in the previous part. So, अब यहां पे वो पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं करूंगा, स्क्रीनिंग बहुत सारे एडिंग सब्ट्रैक्टिंग मल्टीप्लाइंग डिविजन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट अप्रोच पे फॉलो करते हैं, और डायरेक्ट अप्रोच क्या है हमारी, डायरेक्ट अप्रोच से कि यहां से आप रूट फाइव की वैल्यू, तो प्लस का 3s हो जाएगा माइनस 1 मींस p बाय क्या होता है इक्वल आएगा, सॉरी लेट मी राइट अगेन, 2 root 5 किससे इक्वल आएगा, p बाय क्या होता है माइनस 3 by 1 लिख सकता हूं, एलशियम लीजिए, एलशियम कितना आएगा, एलशियम शुड बी 3, एलशियम शुड बी क्या, तो क्या एलशियम आया मेरा, क्या एलशियम आने के बाद क्या बना, 3 minus 3, दैट्स विल बी 2 root 5, 2 मल्टीप्लाई में किसमें जाएगा भैया, डिवाइड में, 2 मल्टीप्लाई में है किसमें जाएगा, डिवाइड में, तो रूट फाइव क्या है, p माइनस 3 क्या अपॉन 2। अब अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है या 3 नंबर में आता है तो मैं इसको अप्रोच करता हूं इस तरीके से, यहां तक अगर मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अगर मेरे पास ये क्वेश्चन 2 नंबर में या 3 नंबर में आता है तो मैं इसको डेफिनेटली इसी वे में अप्रोच करूंगा, लेकिन यही क्वेश्चन अगर मान लो 6 मार्क्स में आता है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां तक लाने के बाद रूट फाइव को इरेशनल प्रूफ करके दिखाऊंगा अलग से कि यहां तक लाए, अब रूट फाइव को इरेशनल प्रूफ कर, तो अगर ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आता है, लेकिन 3 मार्क्स में आता है तो वो अप्रोच कर थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो जाती है, तो इन दैट केस मेरा ये नंबर प्रोसेस है। अब मैंने प्रीवियसली प्रूफ किया तो मैं यहां पर प्रूफ नहीं करके दिखाऊंगा, रूट फाइव कैसा है, इरेशनल नंबर है, P क्या हो गया, ये दोनों नंबर कैसे थे, रैशनल, P रैशनल क्या हो, रैशनल, तो P माइनस 3 क्या होगी, क्या होगा, रैशनल होगा, क्या हो, रैशनल, तो 2 क्या होगी, क्या होगा, रैशनल होगा,
यानी p माइनस थ्री क्या वो भी रैशनल है, टू क्या वो भी रैशनल है, रैशनल को रैशनल से डिवाइड करोगे तो आपके पास आउटपुट क्या मिलेगा, रैशनल ही मिलेगा। सो ये नंबर मेरा कैसा है, रैशनल नंबर, बट रूट फाइव कैसा है, इरेशनल नंबर। रिपीट, p माइनस थ्री क्या हो अपॉन टू क्या हो, तो कैसा नंबर आया, रैशनल, दिस इज रैशनल, बट दिस इज इरेशनल। अब ये एक ही नंबर है, या तो वो रैशनल हो सकता है, या तो वो रैशनल हो सकता है, या तो इरेशनल। तो फिर से भैया उसकी बात गलत हुई, जो हम उसने बोला था सही बोला था, हम अगेंस्ट चले थे, सो ये बात फिर से अगेंस्ट हुई, यहां पर भी स्टेटमेंट को फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, एंड दिस इज अ यहां पर मैं लिखूंगा एक बार, विच इज नॉट द नॉट पॉसिबल, या डायरेक्ट आई कैन राइट दिस इज अ कंट्राडिक्शन फॉर रूट, नॉट रूट फाइव दिस टाइम, थ्री प्लस टू रूट फाइव इज अ इरेशनल नंबर। So hope everything is clear in this chapter. Still any confusion, you can share in the PS group. So thank you all of you. Have a nice day. Bye everyone.